भारत में दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रेल एक्सीडेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके क्या कारण हैं? आज इस वीडियो में हम पता लगाएंगे। साथ ही साथ ये भी समझने का प्रयास करेंगे, क्या भारत में सच में बेरोजगारी है या फिर इस देश में बेरोजगारी का एक माहौल बनाया जा रहा है? क्या भारत में सच में रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं या फिर रेल एक्सीडेंट करवाए जा रहे हैं? जिस प्रकार से न्यूज में आता है कि एक जिहादी गैंग इसमें एक्टिव है, जो रेल की पटरियों पे पत्थर रख के, गैस सिलेंडर रख के रेल को डीरेल कर रहे हैं, जिससे रेल एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, कितनी सच्चाई है इस खबर में, इसका भी हम समीक्षा करने वाले हैं। देखिए, जो ये घटनाएं होने वाली हैं, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें कई तकनीकी कारण हैं। हम साधारण भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार भारत में इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं, क्योंकि भारतवासी दो प्रकार की जिंदगियां जी रहे हैं। एक जिंदगी है मीसो जिंदगी और एक जिंदगी है मेंटोस जिंदगी। ये मीसो जिंदगी क्या है? आपने देखा होगा एक ऐप है जिसका नाम मीसो है। यह सस्ती कीमत पर नकली ब्रांडेड कंपनी कपड़ों को बेचता है, उसके सामानों को बेचता है। लोग इसके सामान को खरीदते हैं, जेब में पैसा नहीं है तो ईएमआई करवा लीजिए, यानी कि कर्जे से ले लीजिए। कुल मिला के मीसो जिंदगी एक ऐसी जिंदगी होती है, लोग दिखावे के रूप में जीते हैं, हकीकत में उनकी जेब में पैसा नहीं होता। मतलब कच्चे में छेद हैं लेकिन ऊपर शर्ट ब्रांडेड है, वो भी नकली वाली, कर्जे लेकर ले रहे हैं। कुल मिला के दिखावे का जीवन। पर उनका जीवन अच्छा कहाँ होता है? हकीकत में तो उनका जीवन अच्छा नहीं होता, पर उनका जीवन व्हाट्सएप स्टेटस में बहुत अच्छा होता है, रील्स में उनका जीवन बहुत अच्छा होता है। वो दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करते हैं, देखो हम कितने खुश हैं, देखो हम कितने समृद्ध हैं। हकीकत क्या है? कच्चे में छेद हैं। हो सकता है कईयों के कच्चे ना हो, ऐसे ही पेंट रगड़ के घूम रहे हों। ये है भारतवासियों के अधिकांश लोगों की समस्या, कि हम शो ऑफ में फंसे हुए हैं, जबकि मुसीबत कुछ और है। और हकीकत जो व्यक्ति जानते हैं उसको मैं कहता हूं मेंटोस जिंदगी, जिन्हें अपनी हकीकत मालूम हो। पर चूंकि हम भारतवासी हकीकत जानते हुए भी मीसो जिंदगी जी रहे होते हैं, हकीकत मालूम है कि जेब में पैसा नहीं है, फिर भी शो ऑफ में कर्जा लेके हम पैसे खर्च कर रहे होते हैं, फिर ऋण के जाल में फंसते हैं और इस प्रकार की अव्यवस्थाएं जन्म लेती हैं। तो भारत में जो बेरोजगारी की समस्या है या जो ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, इनके पीछे के कारणों को अगर समझना है तो हमें यह समझना होगा कि मीसो और मेंटोस जिंदगी कैसी है। मैं तुलना करके बताता हूं। पहले आप हकीकत समझो और हमें क्या दिखाया जा रहा है वो समझिए। हकीकत ये है, हमारे देश में बेरोजगारी का आलम कि लगभग 50% जो पोस्ट हैं वो अभी भी राजस्थान सरकार के कॉलेज में वैकेंट हैं, इनकी भर्ती ही नहीं हुई है। ये मेंटोस जिंदगी है, ये हकीकत है। लेकिन सरकारें बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाकर बोलती हैं यहाँ पे सब ठीक है, वो मीसो जिंदगी है। वो दिखाना चाह रहे हैं कि सब ठीक है, वही कहानी है कि कंचा फटा हुआ है लेकिन शर्ट किराए पर लिए हुए हैं। तो वैकेंसी निकली है, जरूरत है, लेकिन भर्ती नहीं कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से कर्नाटक सरकार में 33% से ज्यादा वैकेंसी हैं, आंध्र प्रदेश सरकार में वैकेंसी हैं, केंद्र सरकार में वैकेंसी हैं, और ये एक लिस्ट है 2018 से लेके 22 तक कि इतनी वैकेंसी निकाली गई थी लेकिन भरी केवल गई, कभी 22, कभी 21, कभी 20, कभी 18, कभी 26। तो बाकी लोगों की भर्तियां क्यों नहीं हुई? सीधी सी बात है, या तो भर्ती करना नहीं चाहते हो या फिर इसके पीछे कोई ऐसा इंटेंशन है कि भारत को गलत दिशा में ले जाना चाह रहे हो। अगर ये भर्तियां नहीं होंगी इसका क्या परिणाम होगा? पहला परिणाम, भर्तियों के अभाव में स्टाफ कम होगा, स्टाफ कम होगा तो सर्विस की गुणवत्ता गिरेगी। और रेलवे में यही हो रहा है कि स्टाफ कम होने की वजह से रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं। दूसरा ये कि अगर रोजगार नहीं होगा तो लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए या तो चोरी करेंगे, चकारी करेंगे और लोक व्यवस्था डिस्टर्ब करेंगे, और ऐसा हो रहा है। तो भारत में रोजगार की नितांत आवश्यकता है, ये मेंटोस है, हकीकत है। लेकिन रोजगार के सपने दिखाए जाते हैं कि इस बार बजट में हम आपको 1 करोड़ नौकरियां देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। नेता आकर तुमसे बोल दे हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं, समझ लेना कुछ नहीं होने वाला है। ये मीसो जिंदगी है, दिखावे की जिंदगी, मीसो जिंदगी, मेंटोस जिंदगी, हकीकत। हकीकत को समझने का प्रयास करो। हकीकत यह है कि रेलवे में कई सारी वैकेंसियां खाली हैं, सरकार को इसकी भर्तियां निकालनी होंगी। अब हम जैसे लोग आवाज उठाएंगे, आप जैसे लोग आवाज उठाएंगे तो सरकार के पास एक हथियार है, इतना कूटा जाएगा कि पीठ पर डिजाइनें बन जाएंगी, ऐसी डिजाइनें कि तुम्हारी महबूबा ना पहचान पाए कि ये किस कलम से लिखा हुआ है। जो प्यार तुमको पुलिस दिखाएगी तुम्हारी पीठ पर, ऐसा प्यार तुम्हारे माँ बाप ने नहीं दिखाया होगा। इतनी मोहब्बत करती है सरकार हमसे, दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा। और मैंने बताया है कई लोगों के कच्चे में छेद हैं, इसमें से कई ऐसे होंगे जिनके कच्चे ही नहीं है, सोचो उनके पिछवाड़े पर क्या हालात हो रहे होंगे। यही आज देश की मेंटोस जिंदगी है, कि हालात 10 से बदतर है लेकिन हम सपोर्ट करना बंद नहीं कर रहे हैं। हम एक दूसरे को
जो सपोर्टर हैं, कोई दूसरी पार्टी का सपोर्टर, कोई दूसरी पार्टी का सपोर्टर, उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं कि सब ठीक है। मतलब हमारे कच्छे में छेद है वो चलेगा, लेकिन जिस नेता को मैं सपोर्ट करता हूं उसकी बड़ी होर्डिंग होनी चाहिए, सफेद कुर्ता होना चाहिए, रंगीन बुंडी होनी चाहिए, सर में साफा होना चाहिए और सब जगह लिखा होना चाहिए हैप्पी बर्थडे, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। ये मीसो जिंदगी से बाहर निकलो, वास्तविकता को समझो। और वास्तविकता ये है कि तुम्हारा आधार खिसक चुका है। अगर अब तुम अपने अधिकारों की मांग नहीं करोगे तो डंडों के अलावा तुम्हें और कुछ मिलने वाला नहीं है। और जैसे तैसे अगर तुम्हारी भर्ती हो भी गई तो इसकी भी गारंटी है कि घोटाला होके रहेगा। घोटाला इसलिए होके रहेगा क्योंकि आपने अपने अधिकारों की आवाज नहीं उठाई। आप मीसो जिंदगी में खोए रहे, एक काल्पनिक दुनिया में खो रहे, हकीकत में तो कुछ और ही चल रहा था। तो इस देश में यह है कि पहले भर्ती के लिए मांग करो, फिर लाठियां खाओ। अगर भर्ती निकल गई तो घोटाला हो जाएगा, और अगर भर्ती घोटाला होता है तो फिर बैठ के धरने पे बैठो। मैं मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों की मनोदशा का समझने का प्रयास कीजिए। आपने जो 87% और 13% का अभिशाप इन बच्चों को दिया है, इससे इनकी उम्र गुजरती जा रही है। ये बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, और जब कोई मानव संसाधन डिप्रेशन में जा रहा है तो उस राज्य के मुखिया को डूब के मर जाना चाहिए कि हमारी व्यवस्था इतनी भंगुर है कि हम इन बच्चों को डिप्रेशन में जाने से नहीं रोक पा रहे हैं, केवल राजनीति के लिए, केवल राजनीतिक वोट बैंक के लिए। या फिर आप अयोग्य हैं, इस चीज को स्वीकार कीजिए, तो इन बच्चों के मन से भ्रम निकलेगा कि जब सामने वाला मुखिया ही अयोग्य है तो ऐसे लोगों की सेवा करने से हमें क्या मिलेगा। बंद करो धरना और आगे बढ़ो। इस देश की बड़ी विडंबना है कि या तो भर्तियां हैं नहीं, अगर हो रही हैं तो घोटाले हैं। पटवारी घोटाला हो गया, 8-8 लाख रुपए में पटवारी बन रहे हैं, इसमें अयोग्य लोग जा रहे होंगे, जो योग्य है वो पैसे के अभाव में बाहर रह गया। जैसे जैसे पेपर अगर हो जाए तो लीक हो जाता है, नकली डॉक्टर नकली इंजीनियर बन रहे हैं, नकली इंजीनियर बन रहे हैं तो पुल धड़ाम से गिर भी रहे हैं, क्योंकि ठेका फिर उन्हीं नकली और फर्जी इंजीनियरों को मिलेगा, ऐसे ही फर्जी डॉक्टरों को मिलेगा। आज आप समझिए कि भरोसा नहीं होता नए डॉक्टरों पर। यूट्यूब पर देख रहे हैं कि उसने सर्जरी कर दी, यूट्यूब पर देख करके इसकी सर्जरी करनी है, ऐसे तो फर्जी डॉक्टर आ रहे हैं आजकल। अब तो आईएएस अधिकारी भी फर्जी हो रहे हैं। क्या ये अमृतकाल है? ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमने अपनी आवाज नहीं उठाई है। हम लोग अब मीसो जिंदगी में जी रहे हैं, हमको लग रहा है कि इसका संबंध हमसे है ही नहीं। ये कर्म है जो लौटकर आप पर ही आएंगे। नेताओं के द्वारा किए गए अत्याचार का परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा, भले ही आप अपनी पार्टी के समर्थक क्यों ना हो। देश की हालत ये है कि अगर नौकरी मान लो सरकारी नहीं मिल रही, चलो प्राइवेट कर लेते हैं, जैसे जैसे आईआईटी किया, माँ बाप ने पैसा खर्च किया तो मालूम चला कि मिनिमम पैकेज 4 लाख का है। और उससे बड़ा दुख तब होता है जब कोई छपरी एक इवेंट के 5 लाख रुपए ले जाए, ऐसे दूध की धार को चटाते हुए। इसकी मेहनत का सम्मान करता हूं, पर हमें यह समझना होगा कि अगर ऐसे छपरियों की मेहनत को हम मेहनत कह रहे हैं तो फिर इन बच्चों के द्वारा की गई मेहनत को क्या कहा जाएगा। आज देश में इस हालत है कि हमारे देश का कोई भी नेता मेहनत को कैसे जस्टिफाई करता है, बोलता है मैं 18 घंटे काम करता हूं और अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा वो रैलियों में निकाल रहा है, उसको भी मेहनत में काउंट किया जा रहा है। भाई रैलियां तू अपनी पार्टी के लिए कर रहा है ना, देश के लिए नहीं कर रहे हो। तो रैली करना तुम्हारे देश की मेहनत को कैसे शामिल कर रहा है? देश की मेहनत का मतलब जनता के बीच में जाके जनता के कार्यों को करना, ना कि अपनी पार्टी का प्रमोशन करना। ठीक इसी प्रकार से यह माहौल बनाया जा रहा है जिससे कि दिमाग में डाला जा सके कि कोई भी काम मेहनत का रूप होता है, तभी ऐसे छपरियों को प्रमोट किया जा रहा है कि इसके द्वारा किए गए उस दूध की धार के काम को भी मेहनत की कैटेगरी में डाल दिया जाए। तो फिर इन लोगों की मेहनत को क्या बोला जाएगा, इस पर कोई चर्चा करने को तैयार ही नहीं है। तभी तो ये जैसे छपरियों का जन्म हो रहा है। ये वो मक्कार हैं जो नई मक्कार संसाधन टीम को जमा कर रहे हैं। दिमाग में डाला जा रहा है छोटी सी मेहनत को भी बड़ी मेहनत बताया जाए। तभी तो आजकल के बच्चे 2 सीढ़ियां चढ़ते हैं, बोलते हैं मैं थक गया, क्योंकि मेहनत की परिभाषा बहुत छोटी हो गई है इस देश में। झूठी मेहनत को हकीकत वाली मेहनत के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। ये है मीसो जिंदगी, ये दिखावे की जिंदगी, ये दिखावे की जिंदगी, ये मेंटोस जिंदगी। तो तुम डिसाइड करो कि तुम किस जिंदगी का हिस्सा हो। मैं मानता हूं कि इस देश में बेरोजगारी के आलम बहुत ज्यादा हैं और ऐसे छपरी पैसे कमा रहे हैं। अगर आपको भी पैसा कमाना है तो या तो सरकारी नौकरियां कर लीजिए। अब सरकारी नौकरी में वैकेंसी आ नहीं रही हैं, अगर आती हैं तो पेपर लीक होते हैं, पेपर लीक नहीं हुआ तो घोटाला हो जाएगा, घोटाला नहीं हुआ तो एग्जाम पोस्टपोन कर दिया जाएगा, या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाके जॉब ले लो। और तीसरा काम है कि आप कुछ मत करो, छपरियों की तरह गैम्बलिंग शुरू कर दो। तो मैं भारत के सभी मानव संसाधन और युवाओं से कहना चाहता हूं जो पबजी में फंसे हुए हैं, ड्रीम 11 पर टीम बनाने में लगे हुए हैं, आप इस प्रकार के जुए मत खेलो। अगर आपको अपना समय मोबाइल में ही व्यस्त करना है तो फिर आप शेयर मार्केट सीख लीजिए। आप यकीन मानिए,
शेयर मार्केट भी एक प्रकार का जुआ है, पर वो ड्रीम इलेवन से बहुत अलग है। शेयर मार्केट एक ऐसी कला है जो भविष्य का बाजार है। शेयर मार्केट आपका बिजनेस का आधार बन सकता है। शेयर मार्केट आपकी गरीबी दूर कर सकता है। शेयर मार्केट अगर आप सच में सीख गए तो यकीन मानिए कि शेयर मार्केट से आप अपनी दरिद्रता को दूर कर सकते हो। शेयर मार्केट में किसी का कोई अधिकार नहीं है, इसमें वो जीतता है जो ज्यादा सीखता है। सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन जोखिम बहुत होता है। यदि आपने कम सीखा है, अभ्यास कम किया है, तो इसमें आपका लगाया हुआ पैसा डूब भी सकता है, पर इसको और आसान तरीके से सीखा जा सकता है। अब शेयर मार्केट के बारे में सच्चाई है कि शेयर मार्केट गिरेगा तो लॉस ही होगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शेयर मार्केट गिरने पर भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जी हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट और आसान प्लेटफॉर्म है मार्केट बुल्फ। मार्केट बुल्फ जो कि एक सेवी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप ऑप्शन ट्रेडिंग से संबंधित कई सारी जानकारियां उठा सकते हैं। सेल्फ रिकमेंडेशन का भी यहाँ पे विकल्प मिलता है, और अगस्त महीने में लोगों ने 80,000 रुपए के भी प्रॉफिट बुक किए हुए हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट बुल्फ किस प्रकार से काम करता है। यहाँ ऊपर देखिए, एक्सपर्ट ने ट्रेड रिकमेंडेशन दी है जो आप भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैंने चूज कर लिया है इनका इजी वे वाला फ्यूचर। अब ट्रेड करने के लिए मैंने चूज किया है बैंक निफ्टी, और ट्रेड देख के मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, तो मैंने चूज कर लिया है अप ऑप्शन। लास्ट स्टेप में प्रॉफिट ज्यादा रखने के लिए मैंने चूज किया है फास्टर, और बस हो गया। इतना इजी है, बेसिक नॉलेज के साथ मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। अब यहाँ मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया, और इतनी आसानी से मैंने 1829 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया, जो है 32% इन लेस देन 2 मिनट। और मार्केट वॉल्व का पूरे मार्केट के जितने एप्लीकेशन है उन सबसे ब्रोकरेज कम है। अगर आपको लॉस होता है तो केवल ये 9 रुपए चार्ज करता है, प्रॉफिट होने पर 19 रुपए, जबकि अदर एप्लीकेशन लगभग 20 रुपए तक चार्ज करते हैं। अगर आप इसका मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो 99 रुपए में लाइफ टाइम ये आपको मेंबरशिप देता है। क्योंकि मार्केट वॉल्व को यूज करना सेफ है और इजी है, तो अभी जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए और यूज कीजिए मार्केट वॉल्व, और बेरोजगारी के इस दौर में खुद का स्टार्टअप शुरू कीजिए। कुछ ऐसी चीजें सीखिए जो आपके जीवन का आधार बने। गैम्बलिंग से दूर रहें, शेयर मार्केट सीखें। लेकिन ध्यान रखना, शेयर मार्केट रिस्क है, अपने रिस्क पर काम करना है, जोखिम है। पहले धीरे धीरे चीजों को सीखना है, उसके बाद इसमें जाके सीधा पैसा फंसाना है। छोटे छोटे अंशों से शुरू करना है। पूरी प्रैक्टिस होने के बाद ही, परिपक्वता आने के बाद ही शेयर मार्केट से लाभ होता है। स्पष्ट कह रहा हूँ, रिस्क है, बिना सीखे उतरना नहीं है, पहले सीखें फिर काम करें। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर, शेयर मार्केट में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो सरकारी नौकरी ही चाहिए। तो बहुत आसान है, नैया पार का वन डे एग्जामिनेशन वाला यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और नैया पार का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहां आपको रेलवे NTPC की एग्जाम की सेपरेट बैच तैयारी कराई जा रही है 499 रुपए में। पूरी टीम, जिसमें मैं भी आपको मिलूंगा, टू द पॉइंट जो NTPC एग्जाम में आना है वो कंप्लीट करवाएंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी लगवाएंगे। सर, अगर हम SSC GT की तैयारी करना चाहते हैं तो 499 रुपए में सेपरेट बैच इसका भी अवेलेबल है नैया पार के एप्लीकेशन पर, वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए फाउंडेशन बैच भी अवेलेबल है 999 रुपए में। फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ पर वो तैयारी के बैचेस अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे कि व्यापम मध्य प्रदेश के भी बैचेज अवेलेबल हैं, रेलवे की बैचेज भी अवेलेबल हैं, SSC की भी बैचेज अवेलेबल हैं। डाउनलोड कीजिए नैया पार का एप्लीकेशन। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, वंदे भारत के ऊपर जो पत्थरबाजी हो रही है। इन वीडियोस को देखकर समझ में आएगा कि जानबूझकर रेल की पटरियों पर पत्थर रखे जा रहे हैं। जब जब वंदे भारत गुजरती है, खासकर पश्चिम बंगाल के एरिया से, लखनऊ के कुछ एरियाओं से, वहां जमकर पत्थरबाजी की गई है। कभी कभी लगता है कि वंदे भारत का नाम बदलकर वंदे फिलिस्तीन रख देना चाहिए, शायद इस पर पत्थरबाजी ना हो। ये निश्चित तौर पर एक जिहादी सोच है। भारत देश में रह रहे हो, भारत का खा रहे हो, और वंदे भारत के नाम से अगर तुम्हें तकलीफ है तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, देश छोड़कर चले जाओ, नहीं है ये तुम्हारा देश। अगर नाम से तकलीफ है तो फिर देश तुम्हारा कैसे हुआ? या फिर ये दूसरा तरीका हो सकता है कि इस ट्रेन का नाम वंदे भारत की जगह वंदे फिलिस्तीन कर दिया जाए।
बाकी भारत के सभी नागरिकों से मैं निवेदन करूंगा कि माना कुछ जिहादी तत्व तो ऐसे हैं जो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, हो सकता है कोई पार्टी इनसे करवा रही हो किसी दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन हमें दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरा पहलू यह है कि एक ही पटरी पर 5 ट्रेनें खड़ी हो जाना, यहाँ पर तो कोई जिहादी तत्व नहीं है, यहाँ सरकार का फेलुअर है। 2 ट्रेनों का आपस में टकरा जाना, सरकार का फेलुअर है। वंदे भारत ट्रेन में पानी का टपकना, सरकार का फेलुअर है। वंदे भारत के फरकच्चे उड़ जाना छोटे से एक्सीडेंट से, सरकार का फेलुअर है। मैं ये कह सकता हूँ कि जिहादी तत्वों के साथ साथ सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दूसरा, अगर जिहादी तत्वों के द्वारा पटरियों पर पत्थर रखे जा रहे हैं, अब पूरी पटरियों को सिक्योर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो पॉइंट मैन बनाए गए हैं वो अनुपस्थित क्यों हैं? क्योंकि स्टाफ की कमी है, सरकार का फेलुअर है, सरकार को भर्ती करनी चाहिए। दूसरा, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो व्हाट्सएप पर वीडियोज आते हैं, फोटोज आते हैं, उन पर पूरी तरह से रिएक्शन नहीं करना है। पहले समझो ये सच है या झूठ है, अगर सच है तो उसकी आलोचना करो, पहले पड़ताल कर लो। जैसे ये वाला वीडियो आप देखिए, अब इस वीडियो में जो ग्लास तोड़ रहा व्यक्ति है, इसमें कई सारे ऐसे आईटी सेल के लोग थे जिसने इसको जिहादी बोल दिया। एक्चुअली ये व्यक्ति ग्लास नहीं तोड़ रहा है, ये वंदे भारत का ग्लास चेंज कर रहा है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि सरकार का जो फेलुअर है उस फेलुअर को हमें ढकना नहीं है, लेकिन ये भी सही है कि अगर कोई जिहादी गैंग काम कर रही है तो उनको भी नहीं छोड़ना है। पर अगर कोई वीडियो फोटो आता है, निवेदन ये है कि पहले उसकी जाँच पड़ताल कर लें। और सबसे बड़ी बात, हमें अपने अंदर की जाँच पड़ताल करनी है। हम आज ये कसम खाते हैं कि हम ऐसे कोई शो नहीं देखेंगे जिसमें गाली गलौज है, ऐसा कोई कॉमेडी शो नहीं देखेंगे जो गालियों से बात करते हैं, ऐसे किसी नेता को हम फॉलो नहीं करेंगे जो मन से झूठ बोलते हैं। ऐसा अगर कर दिया तो सभी नेताओं को तुम अनफॉलो कर दोगे। हम उन नेताओं को कभी सम्मान नहीं करेंगे जो हमारे क्षेत्र में विकास नहीं कर पाए। अगर आपके रोड पर गड्ढे हैं, व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं आ रही है, स्कूल जर्जर है, तो ऐसे विधायक और सांसद का सम्मान मत करो, फिर उनको हीन भावना से देखो और उनसे जितना हो सके उनसे बेशर्मी से बात करो, क्योंकि ये सम्मान से बात करने लायक है ही नहीं। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, इनके बंगले बन चुके हैं, और हम ऐसी गंदी स्थिति में अगर रह रहे हैं, टूटी फूटी सड़कों पर चल रहे हैं, गिरने से चोट लग रही है, और ये सिर्फ 5 साल के बाद आते हैं वोट मांगने के लिए, तो इसका मतलब है कि हम जानबूझकर हकीकत को छिपा रहे हैं, यानी कि हम मेंटोस जिंदगी नहीं जी रहे हैं। हमें अब मीसो जिंदगी यानी दिखावे की दुनिया बंद कर देनी चाहिए, पूरी तरह से अब मेंटोस जिंदगी पर काम करना है, यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। और यदि आपका लक्ष्य शेयर मार्केट सीखना है तो डाउनलोड कीजिए मार्केट बोल, 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हैं, जरूर चेकआउट करिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हमारा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। हम सब साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। जिन जिहादियों को तकलीफ है देश छोड़ के जा सकते हैं, भारत में रहना है तो भारत भारत कहना है। जय हिंद, जय भारत।